गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सर्वनाम के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा कैसा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कक्षा की जो स्तर बढ़ता है उसी प्रकार से चीज़ें हमें थोड़ी विस्तृत रूप में मिलती जाती है। तो बच्चों, आज हम पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जो संज्ञा शब्द होते हैं जैसे राम श्याम, ठीक है, तो उनकी जगह जो शब्द प्रयुक्त होंगे, जिनको हम प्रयोग में लेंगे, उसे ही हम सर्वनाम कहेंगे। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम दिल्ली जाता है। अब राम शब्द बार बार आ रहा है, तो लेकिन हम यहाँ पर राम की जगह राम अच्छा लड़का है, वह दिल्ली जाता है, तो वह जो शब्द आया वह क्या हुआ, सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि ऐसे शब्द, ठीक है, जो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि, ये क्या है, कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आपकी पुस्तक में सर्वनाम के भेदों के बारे में नहीं बताया गया है, इसको जब आप अगली कक्षा में आओगे तब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज हम सिर्फ सर्वनाम की परिभाषा के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, उसके क्या क्या उदाहरण हैं, इन चीज़ों से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब एक चित्र है आपकी पुस्तक में और देखने पर लग रहा है कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम उसके नीचे भी कुछ चित्र दे रहे, कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे आज अभिषेक का जन्मदिन है, वह बहुत खुश है, उसे बहुत से उपहार मिले, उसने दादा दादी का आशीर्वाद लिया, उसके पापा ने उसे घड़ी उपहार में दी। आपने देखा ऊपर दिए गए वाक्यों में अभिषेक का नाम बार बार ना लिखकर उसकी जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वह, उसे, उसने और उसके, ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम है। भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए हम बार बार संज्ञा जो नाम होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण हैं, कुछ और वाक्य हैं, उनके पढ़ लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं कि उनमें क्या क्या सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब समीर मेरा मित्र है, समीर मेरे साथ पढ़ता है, समीर के पिताजी डॉक्टर हैं, समीर की माताजी टीचर हैं, समीर की सभी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अब आप इस जो वाक्यों में देखोगे तो समीर का जो नाम है बार बार आ रहा है, तो हमें पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, रोचकता नहीं आ रही है, यहाँ पर पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है, तो हम समीर की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ऊपर लिखे वाक्यों में समीर संज्ञा शब्द है, इसका बार बार प्रयोग कैसा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। यदि इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार लिखा जाए तो समीर मेरा मित्र है, वह मेरे साथ पढ़ता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी टीचर हैं, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। अब देखा, समीर मेरा मित्र है, समीर मेरे साथ पढ़ता है, समीर के पिताजी
डॉक्टर हैं, तो बार बार समीर का जो नाम आ रहा था वह पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था। लेकिन जो आगे के वाक्य हैं वहाँ पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, जैसे वह, उसके, उसकी, ये आदि शब्द क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। तो इनको जब हम यूज करते हैं तो क्या होती है, थोड़े पढ़ने में रोचकता आ जाती है, चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है, इन वाक्यों में समीर सिर्फ पहले वाक्य में आया है, अन्य वाक्यों में समीर के स्थान पर वह, उसके, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर आने के कारण ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अभी कुछ और उदाहरण है उनको भी हम देख लेते हैं। तान्या स्कूल से 2 बजे लौटी। तान्या ने नहा धोकर खाना खाया। तान्या की मम्मी को स्कूल की बातें भी बताई। फिर तान्या क्या हुई, पढ़ने बैठ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, तान्या शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, वो तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो अपन, हमें यहाँ क्या करना चाहिए, हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्य के पढ़ने में कुछ अटपटे से लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तान्या शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है। अब आगे के जो वाक्य हैं उनको पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने क्या किया है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तान्या स्कूल से 2 बजे लौटी। उसने नहा धोकर खाना खाया। उसने अपनी मम्मी को स्कूल की बातें भी बताई। फिर वह पढ़ने बैठ गई। ये वाक्य आसानी से समझे जा सकते हैं क्योंकि इनमें एक बार तान्या का नाम लेकर बाद में उसकी जगह उसने, अपनी तथा वह शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये शब्द ही क्या है, ये शब्द ही सर्वनाम है। इसका क्या मतलब है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, ये सर्वनाम की परिभाषा है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं, हम, आप, तुम, मेरा, हमारा, आपका, तुम्हारा, उन्हें, हमें, उनका, तुम्हें, ये, वे, वह, वो, कौन, किन्हें, किसका, किनका, मुझे, इनका, अपना, इसका। तो ये क्या है, कुछ सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, भाषा को सुंदर बनाने तथा सम्मान भाव दर्शाने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द ही है, और इसका प्रयोग किया क्या, क्यों किया जाता है, भाषा को सुंदर तथा सम्मान भाव दर्शाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपका पाठ, जो सर्वनाम नामक जो पाठ था वह यहीं समाप्त हो जाता है। अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो लेट्स रिवाइज। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, परिभाषा है बच्चों, इसको आपको याद करना है। भाषा को स्पष्ट तथा सुंदर बनाने के लिए बार बार एक ही नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या क्या करना चाहिए भाषा को सुंदर और स्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए, जो एक शब्द है उसको बार बार प्रयोग ना करके उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। भाषा को सुंदर बनाने तथा सम्मान भाव दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपका यह पाठ यही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वह PDF के जरिए आएगा, उस वर्क को आपको अपनी कॉपी में करना है। जो प्रश्न और उत्तर है उनको ही सिर्फ कॉपी में करना है, बाकी की जो वैक एक्सरसाइज होती है जो आपकी पुस्तक में दे रखी है उसको आपको अपनी पुस्तक में ही फिल करना है। जो आपका प्रश्न उत्तर का कार्य है उसको सुंदर और स्वच्छ आईटी में करना है। और जो PDF में वर्क आ रहा है, कहाँ लाइन खींचिए, कहाँ पर मार्जिन लाइन खींचनी है, कहाँ पर एंडिंग लाइन खींचनी है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वर्क को करना है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।